नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कोरोना केस एक बार फिर से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन देश में 8582 नए मामले सामने आए और 4,435 लोग रिकवर हुए। अब तक 4,26,52,743 लोग कोविड-19 को मात देकर ठीक हो चुके हैं। फिलहाल रिकवरी रेट 98.68% है। देश भर में एक्टिव केस 44,513 है, जिसकी दर 0.10% है। डेली पॉजिटिविटी रेट 2.71% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.02% है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले एकजुट होने की कोशिश में लगे विपक्ष को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने तगड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी की उस प्रस्तावित बैठक को एकतरफा करार दिया है, जिसे ममता ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा कि कोई भी एकतरफा कार्रवाई केवल विपरीत प्रभाव डालेगी और विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने ममता के प्रयासों को एकतरफा करार दे डाला है। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद देश के कई हिस्सों में तनाव व्याप्त है। झारखंड की राजधानी रांची में झड़पों ने दो लोगों की जान ले ली है। पश्चिम बंगाल का हावड़ा उबल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया, घरों में आग लगा दी गई और संपत्तियों को तोड़ दिया गया है। पुलिस के साथ भी उपद्रवियों की झड़प हुई है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में 57 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने अपनी क्षमता से ज्यादा सीटें जीतकर न केवल विपक्ष को झटका दिया है, बल्कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी स्थिति मजबूत कर दी है। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम और फास्टैग तकनीक के सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। इस एक तकनीक से अनेक फायदे हो रहे हैं। फास्टैग ने देश भर में टोल टैक्स प्लाजा पर जाम की समस्या को समाप्त कर दिया है। प्लाजा पर 2 से 3 मिनट में टोल कट जाता है, जिससे वाहनों की औसत रफ्तार 25 से 30% बढ़ जाती है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जताने के बावजूद कांग्रेस से नाराज विधायक कुलदीप बिश्नोई को मनाने की कोशिश नहीं की, जिसका खामियाजा उसे अजय माकन की हार के तौर पर चुकाना पड़ा। माकन की हार से जीत का जश्न फीका पड़ गया है। हालांकि कांग्रेस 4 राज्यों में 16 सीट के लिए हुई वोटिंग में पार्टी 5 सीट पर जीतने में सफल रही। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मशहूर फैशन डिजाइनर प्रत्युषा गारीमेला शनिवार को तेलंगाना के बाजारा हिल्स अपार्टमेंट में मृत पाई गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय फैशन डिजाइनर प्रत्युषा बंजारा हिल्स में रहती थी। शनिवार दोपहर तक जब उन्होंने सिक्योरिटी चेक का कोई जवाब नहीं दिया तो उनके गार्ड्स ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई, जहां डिजाइनर का शव बाथरूम में पाया गया। कोविड-19 की 3 लहरों का सामना करने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने संसद को सौंपी गई रिपोर्ट में यह बात कही है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को अब जारी अपने अर्धवार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में महामारी की दूसरी लहर ने 2021 के मध्य तक आर्थिक वृद्धि पर ज्यादा जोर डाला है और जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में देरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पार्टी के पश्चिम बंगाल उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। खान ने शाह से राज्य में केंद्रीय बलों को तैनात करने की अपील की है। उन्होंने अमित शाह से पश्चिम बंगाल को जलने से बचाने की अपील की है, ये कहते हुए कि बंगाल सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर 15 जून को होने वाली एक बैठक के लिए विपक्षी मुख्यमंत्री और भाजपा का विरोध करने वाले दलों के नेताओं को पत्र लिखा है। सीएम ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा है कि राष्ट्रपति चुनाव नजदीक है, सभी प्रगतिशील दलों के लिए भारतीय राजनीति के भविष्य के पाठ्यक्रम पर फिर से विचार विमर्श करने का सही अवसर है। एनसीबी मुंबई की टीम ने 10 जून को 4.880 किलोग्राम चरस जब्त किया। इसके अगले दिन टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने कहा है कि जब्त की गई दवाओं को वाटर प्यूरिफायर के अंदर बने एक विशेष कैविटी में छुपाया गया था। पार्सल ऑस्ट्रेलिया के लिए नियत था। भारतीय जनता पार्टी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने 25 जून को पाई धोनी पुलिस थाने में पेश होने के लिए तलब किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुंबई पुलिस का समन नुपुर के बयान की जांच और रिकॉर्डिंग के संबंध में है। पुलिस ने इससे पहले रजा अकादमी की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। 1947 में सत्ता हस्तांतरण के बाद भारत को विरासत में एक प्रत्यारोपित शिक्षा व्यवस्था प्राप्त हुई, जिसका घोषित उद्देश्य विदेशी शासकों के लिए नीचे दर्जे की शिक्षित सहायक तैयार करना मात्र था। जब इस व्यवस्था भारत पर थोपी गई तभी से यह सर्वविदित हो चुका था कि इसका अंतर्निहित उद्देश्य भारत की परंपरागत शिक्षा व्यवस्था के सुंदर वृक्ष की जड़ें खोदकर उसे नष्ट होने के लिए छोड़ देना था। उच्च शिक्षा में केवल 20 विश्वविद्यालय 496 महाविद्यालय थे, जिन्हें सब में केवल 241,369 विद्यार्थी पढ़ते थे। आज 1,047 विश्वविद्यालय 44,000 महाविद्यालय और 27.8% का नामांकन अनुपात है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 12वीं मंत्री स्तरीय WTO बैठक में भाग लेने के लिए आज जिनेवा पहुंचेंगे। वो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की चुनौतियों पर क्लोज डोर सत्र में भाग लेंगे और भाषण देंगे। वो आज बैठक की अध्यक्षता कर रहे कजाकिस्तान द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भी शामिल होंगे।
खाद्यान्न के सरप्लस स्टॉक की समस्या से निजात पाने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग ने अपनी हालिया सिफारिशों में सुझाव दिया है कि चालू खरीद सीजन में केवल लघु और सीमांत किसानों से ही एमएसपी पर धान की खरीद की जाए। ऐसा करने से यहां 90% से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं खाद्य सुरक्षा के साथ खाद्य सब्सिडी को संतुलित बनाने में मदद मिल सकती है। रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जो चिंता भारत की रक्षा एजेंसियों और समाज के एक बड़े वर्ग में पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिखाई दे रही थी, वो जता बांग्लादेश में भी अब साफ तौर पर देखने को मिलने लगी है। पिछले 4.5 वर्ष से बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा कैंपों में रहने वाले इन शरणार्थियों की बढ़ती जनसंख्या और स्थानीय कानून व्यवस्था को लेकर बढ़ रही चुनौतियों से यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित है और साथ ही स्थानीय समाज के लोग भी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी कई बार समन भेज चुकी है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने इसके लिए कई तैयारियां भी की है, जिनमें विरोध प्रदर्शन और ईडी दफ्तर तक मार्च भी शामिल है। अलग अलग राज्यों में पार्टी के तमाम नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी कांग्रेस नेता इस दौरान सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहेंगे। भाजपा के निलंबित प्रवक्ता अनुपम शर्मा का सिर कलम करने का चित्रण करने वाला वीडियो बनाने और फिर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में कश्मीर यूट्यूबर फैजल वानी को श्रीनगर में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वानी ने वीडियो को डिलीट कर दिया है, इसके लिए माफी मांगी है। गिरफ्तारी से पहले वानी ने एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका लोगों या किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में उपजे विवाद पर केंद्र सरकार चिंतित हो गई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस हंगामे को लेकर बयान सामने आया है। दरअसल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज जबलपुर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा कि देश के बाहर की ताकतों की नीयत खराब हो गई है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं और हंगामे हो रहे हैं। कई बार बच्चे खेल खेल में बड़ा कारनामा कर दिखाते हैं, ऐसा ही कारनामा बीना की 9 साल की नेशदा साहू ने कर दिखाया है। नेशदा साहू ने आंखें बंद करके महज 9 सेकंड में स्नैक क्यूब फोल्ड करने का काम कर दिया है, रिकॉर्ड बनाया है। उनके पेरेंट्स को अंदाजा नहीं था कि नौशदा रिकॉर्ड बना सकती है। दरअसल नौशदा खुद बाजार से स्नैक क्यूब लाई और फोल्ड करने की प्रैक्टिस करने लगी। नेशदा ने जब पेरेंट्स को आंखें बंद करके कुछ ही सेकंड में क्यूब फोल्ड कर दिखाया तो पेरेंट्स हैरान रह गए और जानकारी जुटाई। बिजली कंपनियों द्वारा लगभग 10% बिजली दर बढ़ाने की मांग को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने दायर पुनः समीक्षा याचिका को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने स्वीकार कर लिया। ऐसे में इच्छुक व्यक्ति या संगठन 5 जुलाई की शाम 5 बजे तक विद्युत भवन स्थित बिहार विद्युत नियामक आयोग के सचिव के सामने अपनी टिप्पणी सुझाव आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को टेस्ट क्रिकेट में जल्द ही नया कप्तान मिल सकता है। केन विलियमसन की हालिया चोटों की वजह से इस बात की चर्चा तेज हो गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि केन विलियमसन के स्थान पर टॉम लॉथम को टेस्ट फॉर्मेट में कीवी टीम का नया कप्तान बनाया जा सकता है। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर से कमेंटेटर बने साइमन डोल ने भी इसी तरह का सुझाव दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार वापसी के बाद से ही स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड के मद्देनजर हार्दिक पांड्या के फॉर्म को बेहद अहम माना जा रहा है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का भी मानना है कि वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी टीम इंडिया के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड IPL के अगले 5 साल के मीडिया राइट्स की नीलामी आज 11 बजे से शुरू देखने को मिली। इस नीलामी में दुनिया की कई बड़ी कंपनियां शामिल हुई। BCCI की इस नीलामी से 50 से 55 हजार करोड़ तक मिलने की उम्मीद जताई गई थी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिन चलने वाली बैठक आज दूसरा दिन है। आज की बैठक के दौरान उन तमाम प्रस्तावों पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा जिन पर शनिवार को सहमति बनी थी। इन प्रस्तावों में धर्मांतरण पर नियंत्रण करना, घर वापसी करवाने, ज्ञानव्यापी जैसे मुद्दों पर चर्चा, देश में किस तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे और कॉमन सिविल कोड जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा शामिल है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने देश के 22 विपक्षी नेताओं को एकजुट होने को लेकर चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ममता ने इन विपक्षी नेताओं को 15 जून को बैठक करने के लिए दिल्ली बुलाया है। वहीं आज मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान ने ममता की इस कोशिश पर कार्टून के जरिए चुटकी ली है। 12 जून 2022 को रेलवे ने कुछ 188 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। कुल 13 ट्रेनों को रीशेड्यूल कर दिया गया है। इसमें 01037, 03191, 03298, 04133, 05141, 08094, 08097, 12842, 12857, 12859, 12869, 17647 और 226038 ट्रेन नंबर शामिल है। वहीं आज रेलवे ने कुल 10 ट्रेनों को डाइवर्ट किया है। इसमें ट्रेन नंबर है 13012, 13012, 13054, 13173, 13148634, 13148837 शामिल है।
एक महीने पहले हाई कोर्ट के जजों और स्टाफ के लिए जिन अपार्टमेंट का उद्घाटन बिहार के चीफ जस्टिस द्वारा किया गया, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, ये इस बात से साबित होती है कि 30 दिन में यहां दो चोरी की घटना हो चुकी है। यहां चोरों ने एक साथ 15 फ्लैट्स में सेंधमारी की और लगभग 5 लाख से ज्यादा सामान पर हाथ साफ कर दिया है। इस संबंध में अपार्टमेंट के केयरटेकर रजनीश कुमार ने कोतवाली थाने में आवेदन दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आज शिवहर पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर समाहरणालय मैदान में आयोजित गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड में भाजपा नेता और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन के काफिले पर हमले की निंदा की। प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार के बारे में पत्रकारों ने जब पूछा, तब संजय जायसवाल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वैकेंसी खाली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है नुन्नू कुमार, राजीव कुमार, मुन्ना ठाकुर, प्रिया यादव ऑफिशियल, नीलू रॉयल, प्रभाकर पेफोन, दीपक कुमार, सिद्धार्थ कुमार, नसीर उद्दीन, राजकुमार प्रसाद। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर की पुलिस व्यवस्था से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।